Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel. I am glad that you tune in with me, and today we are going to cover our next lecture, which is based on section E. और इन सेक्शन ई हम आज करेंगे लिसनिंग. सो व्यूअर्स, ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बीए बीएस की कंपलसरी इंग्लिश वन है, जिसका कोड है 1423, और इसमें हम यूनिट नंबर टू कर रहे हैं. और यूनिट नंबर टू में हम कर रहे हैं सेक्शन नंबर ई, और उसमें हम पढ़ेंगे लिसनिंग, मीन लिसनिंग टू अ लेक्चर एंड टेकिंग नोट्स. हम यानी के लेक्चर को किस तरह से सुनते हैं, और सुनने के साथ साथ हम किस तरह उस पे जो है नोट जो है वो हम करते हैं, ये हम करेंगे. सो व्यूअर्स, अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि आने वाले हर लेक्चर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके. सो लेट्स स्टार्ट ओवर टूडे लेक्चर. Here they are saying that listening is an active process. So listening क्या है? एक active process है, यानी आपको actively चीजों को सुनना है. That needs our concentration, जो कि हम demand करता है कि हमारी full concentration हमारे सुनने की तरफ हो. Listening to a lecture and taking notes require you to actively listen and participate. सो लेक्चर जब आपने सुनना है तो ये दो चीजों को रिक्वायरमेंट करता है. क्या है? एक तो है एक्टिवली लिसनिंग, और दूसरा है पार्टिसिपेट. ठीक है जी, उसमें यानी कि शामिल रहना. इफ यू आर गुड एट टेकिंग नोट्स देन यू विल अंडरस्टैंड एंड रिमेम्बर द कंटेंट ऑफ लेक्चर्स फेयरली वेल. कहते हैं अगर आप नोट्स लेने में अच्छी तरह समझते हैं कि आप अच्छे हैं नोट्स लेने में, तो आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए और इस चीज को याद रखना चाहिए, दैट कंटेंट ऑफ द लेक्चर फेयरली वेल. तो लेक्चर में जो कंटेंट दिया जा रहा होता है, जो बताया जा रहा होता है, उसे आपको अच्छी तरह जहन में रखना होता है. यू हैव टू लिसन टू लेक्चर स्पेशली एट द कॉलेज लेवल. आपको लेक्चर्स लेने पड़ते हैं, सुनने पड़ते हैं कॉलेज लेवल पे. दे कैन प्रोवाइड यू विद मोस्ट ऑफ द मटीरियल यू विल नीड फॉर द टेस्ट एयर एग्जाम्स. वो आपको कैसा मटीरियल प्रोवाइड करते हैं, ऐसा जो मोस्टली आपके टेस्ट में या इम्तिहान में आना होता है. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स थिंक, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं दैट लेक्चर्स आर ऑफन मोर वैल्यूएबल देन द टेक्स्ट बुक. के जो लेक्चर्स होते हैं वो टेक्स्ट बुक की निस्बत ज्यादा अहमियत रखते हैं, सिंस द लेक्चर इज यूजुअली एक्सप्लेनिंग इन ग्रेट डिटेल. क्योंकि लेक्चर जो है ज्यादा तफसील से बताया जा रहा होता है और समझाया जा रहा होता है. सो लिसनिंग टू अ लेक्चर एंड टेकिंग नोट्स विल बी रियली बेनिफिशियल इन द लॉन्ग रन. तो एक क्या है, लेक्चर को लेना और उसको नोट करना जो है बहुत ज्यादा मुफीद होता है. वट इज नोट टेकिंग, वो कह रहे हैं बेसिकली नोट टेकिंग है क्या. हम ये देखते हैं कि नोट टेकिंग क्या है. सो यदि नोट टेकिंग इन्वॉल्व्स लिसनिंग टू द लेक्चर एंड समराइजिंग इन योर ओन वर्ड व्हाट इज सेड ड्यूरिंग द लेक्चर. सो कह रहे हैं बेसिकली क्या है, लेक्चर को समराइज मुख्तसर करके लिखना, अपने वर्ड्स में लिखना उन तमाम चीजों को जो कि लेक्चर में आपको बताई जा रही हूँ, ये बेसिकली नोट टेकिंग है. इन मोस्ट लेक्चर यू कांट राइट डाउन एवरीथिंग दैट इज सेड नोर सेड यू स्ट्राइव टू डू सो. कहते हैं लेक्चर में ऐसा मुमकिन ही नहीं होता कि जो कुछ बताया जा रहा हो वो सब कुछ वर्ड टू वर्ड लिखा जा सके, और ऐसा आपको करने को रिकमेंड भी नहीं किया जाता. रिमेम्बर, याद रखिए, your task should be note down the essential and key point. तो आपने क्या नोट करने होते हैं, essential और यानी कि जरूरी और जो main key point होते हैं सिर्फ उनको लिखना होता है. And note just to revise it passively without understanding it. और उसको आपने बहुत ज्यादा तफसील के साथ नहीं लिखना होता. मीन आप जस्ट पॉइंट्स कह लें या मेन हेडलाइंस कह लें, वो आपने नोट करनी होती है. Although you can't write as quickly as the lecture task, you can think faster. अगर से वो कह रहा है कि write as quickly, आप उतनी जल्दी नहीं लिख पाते हैं लेक्चर को जैसा कि वो बोला जा रहा होता है. ठीक है, you can think faster, आपको क्या है तेजी से सुनना पड़ता है. नेक्स्ट वो कह रहे हैं जी, गुड नोट डिपेंड्स ऑन फास्ट थिंकिंग एंड कॉन्सेंट्रेशन. अच्छा लेक्चर जो है वो दो चीजों पर बेस करता है. एक क्या है कि आप तेजी से सोच सकते हो और आप फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन दे सकते हो. मीन
क्या कहा जा रहा है आपने उसे समराइज भी करना है और उसे राउट डाउन भी करना है. नोट ऑन फास्ट राइटिंग, ना कि सिर्फ तेजी से लिखना नहीं बल्कि क्या है, तेजी से सोचना और मसलन तेजी से उसे समझकर समराइज करना और उसे कंसंट्रेशन के साथ लिखना. और मजीद जब लिख रहे हो तो नेक्स्ट कौन सा पॉइंट जो है वो बताया जा रहा है उस पर मुकम्मल ध्यान देना. योर एम शुड बी टू सिलेक्ट, समराइज, क्लासीफाई एंड ऑर्गेनाइज. तो हमारा बेसिक एम क्या होता है? बेसिक एम होता है जी सिलेक्ट करना कि लिखना क्या है पूरे लेक्चर में, देन उस पूरे पॉइंट को समराइज करना, देन उसे क्लासिफाई करना और ऑर्गेनाइज करना. मीन आपने अगर बुलेट फॉर्म में लिख रहे हैं पॉइंट नंबर 1 है 2 है 3 है और उस पॉइंट को देन समराइज करके बहुत ही स्पेसिफिक वर्ड्स में पॉइंट आउट करने के बाद वो लिखना होता है. ठीक है जी. टेकिंग नोट्स हेल्प यू फोकस, नोट्स लेने जो है आपको हेल्प करता है फोकस करने में. स्पीकर्स टेंड टू रिपीट एंड समराइज देयर पॉइंट ऑफन ड्यूरिंग द लेक्चर. स्पीकर जो होते हैं आमतौर पर अपने जो नोट्स होते हैं उनको समराइज भी करते हैं और रिपीट भी करते हैं अपने मेन पॉइंट को. यू कैन यूज सच टाइम्स टू राइट डाउन योर आइडियाज वाइल कीपिंग वन ईयर ओपन फॉर एनी न्यू पॉइंट. तो क्या है आपको अपना एक कान हमेशा खुला रखना चाहिए क्या नए पॉइंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए. ठीक है जी. If you miss a point, अगर आप पॉइंट को मिस कर देते हैं तो आपने फिर क्या करना है, कहते लीव सम स्पेस, कुछ स्पेस छोड़ दें. ठीक है. एंड कंसल्ट विद अदर स्टूडेंट, तो अदर दूसरे स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं या प्रोफेसर से. आर द प्रोफेसर आफ्टर क्लास, क्लास खत्म होती है लेक्चर खत्म होता है और प्रोफेसर पूछता है इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क. तो आप या तो तब पूछ सकते हैं या अगर प्रोफेसर जब क्लास छोड़ के चला जाता है तो उसके बाद भी जाके आप कंसल्ट कर सकते हैं. Here are some useful tips. यहाँ कुछ मुफीद आपको tips दी गई हैं that can help you become an effective listener and note taker. तो जो को help करेंगी आपको effective listener में और क्या है note taking में. ठीक है जी. वो देखते हैं अब हम क्या है वो हमें यहाँ बताया जा रहा है. Before you listen to a lecture, to the lecture, जब lecture शुरू सुनने से पहले आपने तो क्या क्या आपके जो की पॉइंट्स हैं वो हो सकते हैं. डेवलप अ प्रॉपर माइंडसेट. सबसे पहले वो कह रहे हैं कि प्रॉपर माइंडसेट को जो है डेवलप करें टुवर्ड लिसनिंग, सुनने की तरफ. ठीक है जी. दैट इज प्रिपेयर योरसेल्फ टुवर्ड्स लिसनिंग टू द लेक्चर. अपने आप को प्रिपेयर करें कि आप लेक्चर सुनने के लिए आप जा रहे हैं. इनहांस योर फिजिकल एंड मेंटल अलर्टनेस. अपनी फिजिकल और मेंटल अलर्टनेस को जो है आपने बढ़ाना है बाय सिटिंग इन द फ्रंट, या आपने फ्रंट पे बैठना आर सेंटर ऑफ द रूम, रूम के दरमियान में. एंड डेवलप एन आई कॉन्टेक्ट. देन मेन थिंग क्या है, आई कॉन्टेक्ट. आपका आई कॉन्टेक्ट जो है डेवलप होना चाहिए विद द स्पीकर जो बोल रहा होता है उसके साथ. चूज अ नाइस लुकिंग नोटबुक. नोटबुक कह रहे हैं कि एक अच्छी सी लें जो आपको प्रवोक करे. ठीक है जी. दैट विल इनकरेज यू टू टेक नोट, जो आपको आपको हौसला अफजाई करेगी कि आप नोट्स लिखें. नंबर द पेजेस आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. पेजेस को भी नंबर करें और क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे भी नंबरिंग करें. डू सम प्रायर रीडिंग, पहले से एक रीडिंग दे लें जो भी आपका लेक्चर है इफ यू कैन, अगर आप कर सकते हैं. अबाउट द टॉपिक बींग प्रेजेंटेड इन द लेक्चर, जो भी टॉपिक लेक्चर में प्रेजेंट किया जा रहा है. नेक्स्ट वो कह रहे हैं व्हाइल यू लिसनिंग टू द लेक्चर, और जब आप लेक्चर सुन रहे हैं. ये तो वो चीजें हैं ना जो लेक्चर सुनने से पहले आपको तैयारी करनी है. ये वो है जो आपने ड्यूरिंग द लेक्चर आपने इन चीजों पर फोकस करना है. इसमें वो कह रहे हैं पे अटेंशन टू द स्पीकर फॉर वर्बल, पोस्चरल एंड विजुअल क्लूज टू व्हाट इज इम्पोर्टेंट. आपने फोकस करना है उसके बोल कैसे रहा है, उसका पोस्चर क्या है या उसका विजुअल क्लूज कौन से हैं कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट. समटाइम टीचर्स कहते हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, या कहते हैं इस पे ध्यान दें या इसे ध्यान से सुने, या आप लिखना भी बंद करें इसे फोकस करें. सो आपको ये चीजें सारी हेल्प करती हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट, या समटाइम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं टीचर जो है वो बोर्ड पे लिखना शुरू कर देते हैं. मीन वो आपको बता रहे होते हैं दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड बेसिक पॉइंट्स ऑफ दिस लेक्चर. रिजिस्ट डिस्ट्रैक्शन आर बॉर्डम. ठीक है. जो जिस तरह की डिस्ट्रैक्शन होती हैं मसलन उनकी तरफ ध्यान ना दें कि स्टूडेंट्स अगर कोई काम करें बात करें क्लास में कोई आ रहा है जा रहा है उधर ध्यान नहीं देना और बोर नहीं होना. लेबल इंपॉर्टेंट पॉइंट. इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपने क्या करना है, लेबल करना है, अंडरलाइन करना है या नोट डाउन करना है. इफ योर लेक्चर हैज एन एक्सेंट यू फाइंड हार्ड टू अंडरस्टैंड आर हैज मैंने मैनरिमाइज यू फाइंड डिस्ट्रैक्टिंग
रिलैक्स एंड अटेंड इवन मोर केयरफुली टू द कंटेंट ऑफ द लेक्चर वगैरह. अगर किसी तरह का आपको एक्सटेंड में प्रॉब्लम आ रही है या आपको समझ नहीं आ रही है तो आपने क्या करना है, रिलैक्स करना है और ज्यादा तवज्जो से सुनने की कोशिश करनी है. इंस्टेड ऑफ दैट आपने जी समझ तो आ ही नहीं रही है तो क्या जरूर, ठीक है जी. व्हेन पॉसिबल ट्रांसलेट द लेक्चर इन टू योर ओन वर्ड, बट इफ यू कांट डोंट लेट इट वरी यू. कहते मुमकिन कोशिश करें कि आप अपने वर्ड्स में लिखें, अगर आप नहीं लिख पाते तो इस पे आपने परेशान नहीं होना. बी कंसिस्टेंट इन योर यूज ऑफ एब्रीवेशन, एब्रीवेशन यूज करने की कोशिश करें, ठीक है जी. एड विजुअल क्लूज टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ योर नोट्स, ठीक है. उसमें कोई आप विजुअल जो है ना वो क्लूज यूज करें ताकि आप अपने जो नोट्स हैं उनके हिस्सों को आप पहचान सकें. फॉर एग्जाम्पल यूजिंग अंडरलाइन, asterisks, arrows, boxes, bubbles, color, highlights, etc. तो वो आपको कह रहे हैं अब आपने क्या आइडेंटिफाई अपने जो नोट्स के उनके पार्ट्स को जो है आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अंडरलाइन कर सकते हैं डिफरेंट चीजों को, ठीक है. asterisks बना सकते हैं, शेप्स वगैरह, एरोस बना सकते हैं, बॉक्सेस बना सकते हैं, बबल्स बना सकते हैं, या आप कलर्स के साथ हाइलाइट्स भी कर सकते हैं. सो इस तरह आप जरा डिफरेंट कर सकते हैं विच इज इम्पोर्टेंट एंड विच इज लिंक टू वन एंड द, एक जैसे बुलेट्स यूज करके आप उन्हें भी शो कर सकते हैं. आस्क क्वेश्चन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, अगर आपको कोई समझ नहीं आया तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन पूछना है. एड योर ओन आइडियाज एंड रिफ्लेक्शंस कीपिंग देम सेपरेट फ्रॉम दोज ऑफ द स्पीकर, और क्या करना है आपने अपने जो अपने जाती आइडियाज हैं उनको भी देखना है ताकि आप अपने नोट्स को जो स्पीकर बता रहा है उससे डिफरेंट कर सकें, ठीक हो गया जी. वॉच आउट फोर पॉइंट्स दैट आर एम्फसाइज्ड आर रिपीटेड बाय द लेक्चर, आपने फोकस करने कौन से पॉइंट पर ज्यादा जोर दिया गया और बार बार रिपीट किए गए. दीज आर लाइकली टू कम इन योर टेस्ट आर एग्जाम, वो आपके टेक्स्ट या एग्जाम्स में आ सकते हैं, ठीक हो गया जी. फिर कह रहे हैं इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग योर नोटबुक एज सून एज द लेक्चर फिनिशेज एंड गेटिंग रेडी टू लीव, कहते हैं जैसे ही लेक्चर खत्म हो तो आपने अपनी नोटबुक बंद नहीं करनी, मतलब उधर नहीं ध्यान देना, और जैसे ही लेक्चर फिनिश होता है और आपने क्लासरूम छोड़ने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है. लिसन केयरफुली, ध्यान से सुने तो इंफॉर्मेशन को गिवन टू वर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास, जी ठीक है जी. जो इन्फॉर्मेशन क्लास की तरफ से एंड पे दी जा रही है तो उसको आपने सुनना है. समटाइम्स द लेक्चर समराइजेस आर हाइलाइट्स मेन पॉइंट, समटाइम्स एंड पे क्या होता है समराइज किया जाता है लेक्चर को और उन्हें मेन पॉइंट्स को हाईलाइट किया जाता है. आर मे गिव पॉसिबल क्वेश्चन एक्सेट्रा, या एंड पे कोई मुमकिन सवालात भी बताए जा सकते हैं. सो ये वो है जो ड्यूरिंग द लेक्चर आपने देखने हैं. अब वो हमें यहाँ बता रहे हैं कि कह रहे हैं कि आफ्टर यू लिसन द लेक्चर, जब आप लेक्चर सुन लेते हैं उसके बाद क्या करना है आपने, रिव्यू योर नोट्स, अपने नोट्स को एक दफा देखना है, फिल इन मिसिंग पॉइंट्स. अगर आपसे कोई ड्यूरिंग लेक्चर पॉइंट्स मिस हो गया तो आपने उसे क्या करना है, फिल करना है. आर मिसअंडरस्टूड, या आप सही तरह समझ नहीं पाए हैं टर्म्स, किसी टर्म्स को फ्रॉम टेक्स्ट से, आर अदर क्लास फेलोज, दूसरे क्लास फेलोज, या तो आपने बुक खोल के उन मिसअंडरस्टैंड जो पॉइंट्स है उन्हें देखना है, या मिसिंग पॉइंट्स को लिखना है, या आपने क्लास फेलोज से पूछना है. फिर वो कह रहे हैं एडिट योर नोट्स, अपने नोट्स को आपने दोबारा एडिट कर लेना है, ठीक है. लेबलिंग करनी है मेन पॉइंट्स की, एंड रिमेंबर फ्रॉग क्लूज, और अपने जो क्लूज दिए गए उन्हें आपने याद रखना है, एंड क्वेश्चंस को, एंड दैट मे नीड फर्दर आंसर, जिनकी मजीद जवाब आपकी जरूरत हो. मेक अप योर ऑन पॉसिबल टेस्ट क्वेश्चन, अब आप क्या कह रहे हैं अपने मुमकिन जो है जो पेपर में आने वाले सवाल हैं उनको आपने उसी टाइम बना लेना है, क्योंकि माइंड में तमाम पॉइंट्स होंगे. यहाँ वो कुछ आपको मेन पॉइंट दे रहे हैं जो आपने याद रखने हैं, कह रहे हैं टू आइडेंटिफाई एज अर्ली एज पॉसिबल द मेन पर्पज ऑफ द लेक्चर, आपने उसका जो मेन पर्पज ऑफ द लेक्चर है मेन बेसिक पॉइंट जो है आपने उस चीज को क्या करना है जहन में रख लेना है. फिर वो कह रहे हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन मेन पॉइंट्स एंड सपोर्टिंग डिटेल्स, मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं उन्हें आपने अलग कर लेना है, और साथ आपने क्या है सपोर्टिंग पॉइंट्स जो है वो उन्हें आपने अलग कर लेना है. टू रिव्यू योर नोट्स, अपने नोट्स का एक दफा जायजा लेना है. टू आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चन ड्यूरिंग एंड आफ्टर लेक्चर, लेक्चर के दरमियान और एंड पे आपने क्या करने क्वेश्चन जो है वो आपने पूछने. टू बी सिलेक्टिव इन व्हाट यू राइट, सिलेक्टिव होना चाहिए आपने बेसिकली लिखना क्या है. यू डोंट हैव राइट एवरीथिंग,
मेन के मेन पॉइंट के आपने हर चीज नोट नहीं करनी, बल्कि क्या करना है, सिर्फ मेन पॉइंट्स को नोट करना है। यहाँ एक आपको उन्होंने एक पिक्टोरियल फॉर्म में बताया कि बेसिकली नोट्स कैसे लेते हैं। कह रहे हैं जी कंसाइजिंग लेक्चर स्ट्रक्चर एंड टेकिंग नोट्स कैसे लेते हैं। यहाँ वो कह रहे हैं एडिशनल एडिट एंड समराइज योर नोट हियर। अगर आपने कोई चीज को समराइज करना, ये बेसिक आपका टेक्स्ट नोट है, ठीक है, ये टेक्स्ट नोट है। यहाँ एडिशनल अगर आपने एडिट वगैरह करना है, समराइज करना है, वो यहाँ करना। योर रिफ्लेक्शन आइडियाज एंड रेलिवेंट क्वेश्चंस है, कोई क्वेश्चन पूछना है कि आपने कोई एडिशनल आपके आइडियाज है, वो आपने इधर लिखना है। इधर समराइज है बेसिक, ये पार्ट है आपका जो है आपने, जिसमें नोट्स आपने लेने। ठीक हो गया जी, ये हमने यहाँ तक ले लिया है कि लेक्चर लेने से पहले कैसे फोकस करना है, ड्यूरिंग लेक्चर कैसे फोकस करना है, और आफ्टर लेक्चर आपने क्या करना है, और मेन चीजों को क्या लिखना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे इन लोगों ने आपको स्टेप्स दिए हुए हैं, कितने स्टेप्स हैं, ये 14 स्टेप्स हैं, और पहले 6 ये आपको यहाँ सिखाएंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले इंट्रोड्यूसिंग है, ठीक है जी, इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं, क्या चीजें हैं, ये इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और इन्हीं पॉइंट्स पे बेस करते हुए एक्सरसाइज को भी हम सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी व्यूवर्स। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो आप बेल को प्रेस कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आने वाला हर लेक्चर टाइम पे आपको मिल सके। एंड डोंट मिस टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज फॉर नाउ।